इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस ओलंपियाड को देखेंगे। लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें मेनली थ्री सेक्शन में था। ये लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आता है जो आपके लिए इजी रहने वाला है, साइंस 35 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन का जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, तो आपके लिए ये वाला पोर्शन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसका क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आप साइंस के क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन देख लेना। उन क्वेश्चन से रिलेटेड ही आप 4-5 क्वेश्चन रेडी कर लेना, और जितने भी इस ओलंपियाड में क्वेश्चन हैं, मतलब 50 क्वेश्चन हैं, तो इनका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। हो सकता है आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ सेम रूल इज़ फॉलोड इन ऑल द फिगर। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ रूल लगा है तो वो आपको बताना है। तो जैसे 13 से हो गया 36 और बीच में 7 है, तो इधर 7 9, और यहाँ क्या आ जाएगा अगर रूल को देखें हम, दो इसमें ऐड हुआ है तो ये 11 आ जाएगा इधर। हालांकि और कुछ हम इसमें ट्रिक देते हैं, क्या लॉजिक लगा है, इन दोनों का ऐड हुआ है और उसका स्क्वायर रूट हुआ है। इन दोनों का ऐड हुआ 81 का स्क्वायर रूट 9। अब इन दोनों का जो एडिशन होगा 144 होगा, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसमें लॉजिक ढूंढना होता है, क्या ट्रिक लगी है हमें वो देखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे मिरर इमेज सेलेक्ट द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज जब भी बनानी हो आपको, इसके साइड में ऐसे मिरर रख लेना है, अजूम कर लीजिए आप इसको। तो मिरर में क्या होता है, जो नंबर पास में होता है वो पास में दिखेगा, और जो जैसे 1 और 9 दूर हैं तो ये आपको दूर में दिखेंगे, और जो नंबर मतलब पलट जाएगा, 7 का फेस मान लो ये इस तरफ है लाइन, बड़ी लाइन, तो इस तरफ मिरर में ये ऐसे दिखेगी। उल्टी इमेज, पूरा उल्टी इमेज दिखती है वाटर में, बट मिरर इमेज में क्या हो जाती है, पलट जाती है, उसकी साइड जो लेफ़्ट है वो राइट दिखेगा, राइट है लेफ़्ट, आपने भी देखा होगा मिरर में, बस आपको ये देखना है। और जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर में है वो दूर में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप 9-1 देख लीजिए कहाँ पर है, स्टार ऑप्शन 1 ही इसका ठीक लग रहा है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, सीधा जैसे कि क्वेश्चन होता है आपको उसको फॉलो नहीं करना, इसको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि हम क्या चेंज करें कि ये इक्वल टू 39 बन जाए। ठीक है, किसको प्लस बनाएं, किसको नेगेटिव बनाएं, प्लस को डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को बदलें या फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस को बदलें, ठीक है, वो देखना है, वो आप इसको एडजस्ट करेंगे उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको रीजनिंग का सभी क्वेश्चंस 10 का 10 क्वेश्चन सही करना है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, अपने टाइम पीरियड को कम कीजिए थोड़ा, ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए, अगर आपको मोर देन वाला कोई भी ऑप्शन दिख रहा है तो आप वो टिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर यही होगा, फिर भी आप एक बार गिन लेना। ऐसे क्वेश्चंस में आप शुरू से चलिए, जैसे फिगर बना लीजिए, पहले जैसे ये लाइन है तो गिन लीजिए अभी कितना ट्राइंगल हुआ, 2 ट्राइंगल हुआ। अब ये बनाया मैंने तो कितना ट्राइंगल हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ऐसे गिनेंगे आप, आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा ईजी रहेगा, लाइन ड्रॉ करते जाइए और वो गिनते जाइए। अभी 6 में वेन डायग्राम पूछा गया था, मतलब ये वो लोग हैं जो इस सर्कल में हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। जो कॉमन है, कॉमन का मतलब वो है 8 और 5, ये जो 8 हैं ये ऐसे हैं जो हिंदी और पंजाबी दोनों बोलते हैं, ये 4 ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, ये 7 ऐसे हैं जो पंजाबी और इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में है, 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ फेस वैल्यू ऑपोजिट हैविंग ये। तो यहाँ पर दो
डाइस दिया गया है। डाइस का एक ट्रिक होता है, जितना भी डाइस दिया वो आपको दो दिया तीन दिया है, ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन को देख के उसको फिर क्लॉकवाइज लिखो एक दूसरे के नीचे, ऐसे थ्री थ्री के बाद वन, क्लॉकवाइज फिर फाइव, और दूसरा फिर थ्री इधर दिया है इसको फिर क्लॉकवाइज इसके सामने लिखो थ्री सिक्स फोर। अभी जो नंबर बच गया उसको एक थ्री में से बना दो, मान लो टू बच गया तो टू हम इस थ्री को बना देंगे। अभी जो जिसके सामने होता है वो उसका ऑपोजिट होता है, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दो जो दो डाइस में जो नंबर एक कॉमन है, बस एक नंबर कॉमन होना चाहिए ना कि दो, एक जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर ऊपर लिख लो और उनको एंटी क्लॉकवाइज नीचे लिख लो, और दोनों दो कॉलम बना लेंगे, और जो जिसके सामने होता है वो उसका ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज कोडेड एज, मतलब किसी लैंग्वेज में टीचर को ऐसे लिखा जाता है, तो आपको लेटर का देखना है कि इसमें बढ़ाया गया है कि पीछे किया गया है, घटाया गया है। अब टी से पहले एस होता है, ठीक है, ई के बाद एफ कर दिया, मतलब एक तो माइनस कर दिया, फिर एक प्लस कर दिया, फिर माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, इसमें कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है, एक ट्रिक तो ये हो गई, एक ट्रिक ये हो गई कि इसको उल्टा करके एक एक आगे लिखा गया है, आर का एस बन गया, ई का एफ बन गया, एच का आई बन गया, सी का डी बन गया, ए का बी, ई का एफ और टी का यू बन गया। तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो इसमें ये इजी सी ट्रिक बन गई थी, तो ऐसे ही पीछे से चल के टी का बन जाएगा यू, एन का बन जाएगा ओ, ई का बन जाएगा एफ, लास्ट में एस है, एस का बन जाएगा टी। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप इनको इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन में बस ये शेप को मैच करना था, ये हालांकि आप कर पाएंगे। डार्क है पूरा, टोटली डार्क है, तो टोटली डार्क देखिए किस में होगा, यहाँ इसका डबल होता है क्योंकि दो का इधर चार डॉट है, तो यहाँ टू डॉट वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 रिलेशन वाला है, तो रिलेशन वाला भी आप ये अपने आप को मान के कीजिए। पॉइंटिंग टू ए गर्ल रीना सेड, रीमा सेड, किसी लड़की को देख के वे रीमा बोली, तो रीमा को आप खुद मान, अपने आप को मानिए कि जो भी इसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा वो मैं हूँ, ठीक है, बोलने वाला मैं हूँ। अब खुद के रिलेशन में आप देखिए कि कोई मेरा क्या है, डेफिनेशन को पढ़िए स्टेटमेंट को, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देखते जाइए, सोचते जाइए। इसके बाद आता है साइंस का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन को मैं यही बोलूँगा कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल इसका क्वेश्चन रिपीट होता है और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ और अपना रैंक अच्छा कर पाएँ। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाता चलूँगा, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो स्पीड को, मोबाइल स्पीड को आप कम कर सकते हैं वीडियो को, और अगर क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है तो 360 या 720 में करके देखिए। तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ आप क्वेश्चंस देखते रहेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, अगर आपको मान लो पहले वाले का आंसर पता है और आप वो देख लो कि चारों में से पहले वाला वो कौन सा है। अगर मान लो यहाँ कार्बन की जगह और कुछ होता, नाइट्रोजन होता, तो जो कार्बन आपने देख लिया कि पहले में करेक्ट आंसर कार्बन ही होगा, तो आपको बाकी का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी में सभी में ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, तो आप आगे का न पढ़ के सीधा उसी में आंसर लगा दो क्योंकि पहले वाले का आंसर करेक्ट आंसर कार्बन होगा। तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है,
उसके बाद आपको बार बार दूसरे क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो क्या पता डाउट हो आपको, तो देख लीजिए कि ऑप्शन में पहले क्या दिया गया है और मेरा करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, ये जैसे सोशल साइंस से रिलेटेड है कि कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। तो अगर आपने जीके का ओलंपियाड दिया हो तो जीके में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 45 इस स्लाइड में अच्छे से दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है इसका अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन का भी मैं आपको यही बोलूँगा कि इस ट्राई करना इस सेक्शन का आप पूरा क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बाकी 1-1 मार्क्स के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 इधर है इसका क्वेश्चन, और इसके ऑप्शंस इधर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 8 का साइंस ओलंपियाड। आई होप आप इस वीडियो की हेल्प से, इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से अपना 2023 के ओलंपियाड में बहुत अच्छा स्कोर ले पाएंगे। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन बनाएं उनसे रिलेटेड, और उनका आंसर देखें। इस ओलंपियाड के जो ऑप्शन में भी दिए गए हैं, अदर अदर ऑप्शन में जो आंसर हैं उनको भी सर्च कीजिए आप, वो देखिए कि उनका क्वेश्चन क्या बनेगा। इन्हीं के ऑप्शंस में जो आंसर हैं, इन्हीं के क्वेश्चन के बेस पर क्या बताव की बार आपको देखने को मिल जाए। तो आई होप इसका आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।